तो लक्षद्वीप पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है। तो वहाँ समुद्र के किनारे मतलब टूरिस्ट प्लेस बना देगा, फार्म हाउस, विला, कॉटेज, तो वहाँ पे ना कॉटेज बनाया जाता है, विला बनाया जा सकता है। अच्छा, इस लक्षद्वीप का नाम चलिए अब ध्यान से समझते हैं, लक्षद्वीप की ओर आगे बढ़े। ये हो गया आपका लक्षद्वीप, इस समुन्द्र के बीच में है सब लक्षद्वीप। अच्छा, इस लक्षद्वीप का ना 36 गो द्वीप है सब, कितना है सर? 36। इसी 36 गो 35 गो एक के जगह है इसे गुजुर मुजुर, आए गो नीचवा चल गया इसे मिनी का है। तो लक्षद्वीप का सबसे निचला द्वीप मिनी का, अब बात की 35 गो एक के जगह गुजुर गुजुर है, समझ में आ गया कि नहीं? तो लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप? 36 द्वीप। 36 द्वीपों का समूह क्या है? लक्षद्वीप। ये मूंगा से बना हुआ है, किससे बना है? मूंगा से। अब मूंगा से कैसे बनता है समझिए ध्यान से। जैसे कोई तालाब है बहुत बड़ा या कोई समुद्र है, अगर कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, कोई समुद्र है मान के चलिए, और कोई इंसान मरे तो उसको वहीं पर ले जाकर डंप कर दीजिए, आदमी मरेगा, नीचे चला गया, मानसून सड़ जाएगा, हड्डी बच जाएगा, फिर कोई मरा वहाँ डंप कर दीजिए, फिर कोई मरा डंप कर दीजिए, ऐसे 100-200 साल में देखिएगा ना, वहाँ हड्डी का पूरा ढेर लग जाएगा और हड्डी बाहर आ जाएगी, फिर धूल कण चलेगी, बालू फंसेगा, ये फंसेगा, धीरे 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 वहाँ द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। अब बालू जमेगा, मिट्टी जमेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा घास भूस जम जाएगा, हरियाली आ जाएगी यहाँ पर। तो वो द्वीप किससे बना है? आदमी के कंकाल से। वहाँ आप लॉज वॉज बना दीजिए, शांति लॉज, पूरा शांति रहेगा वहाँ, नहीं कंकाल लॉज, हड्डी लॉज, वहाँ कुछ भी बना दीजिए, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल, रात में उस पे गाना बजा दो, आम ही जे तो वहाँ बताइए। तो हड्डी से द्वीप बन सकता है कि नहीं? वैसे ही एक जीव होते हैं समुद्र में जिसका नाम होता है मूंगा। क्या होते हैं? मूंगा। उनका खोल कछुआ की तरह कड़ा होता है, कछुआ की तरह क्या होता है? कड़ा होता है, और एकदम कड़ा होता है। तो जब मरते हैं तो उनका मांस गल जाता है और हड्डियां बच जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये वहीं पाए जाते हैं जहां पर समुद्र उथला हो, ज्यादा गहरा ना हो। जब ज्यादा गहरा नहीं है वहीं एकदम खूब सारे गोलियां गोलियां रहते हैं सर, और जो मरेंगे सब नीचे चल जाएंगे सर, धीरे 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 लाश ज्यादा हो जाएगा, हड्डी ज्यादा हो जाएगी। अब वैसे भी ये गहरे पानी में रहते नहीं, उथले पानी में रहते हैं, धीरे 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 ऊपर उठ जाएगा, उसमें धूल कण जमा होकर हजारों साल में द्वीप बन जाएगा, आदमी द्वीप पर टहलने लगेगा, घूमने लगेगा, झोंपड़ी बना लेगा वहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेज सब ना अलाव जलाता है सर, ना कौड़ा नहीं होता है जलाया जाता है ठंडी में, उसको कहता है सर बोन फायर। हमको पहली बार बोला तो हमको देखने गए थे कि क्या कर रहा है सर, हमको लगा हड्डी भूज रहा है सर, हम जाके देखे तो कह रहे हैं कौड़ा जलीले है, सोचा बोल रहा है बोन फायर, बोन फायर कह रहे थे बबुआ बोन फायर, ये तो हम लोग बहुत फायर करते हैं तब। हम तो वहाँ समुद्र के किनारे बोन फायर करेगा सर, लकड़ी जलाएगा सर, कौड़ा जलाएगा सब, शराब वराब पिएगा सब, जो मतलब टूरिस्ट प्लेस बना देगा। तो वैसे ही हो गया है लक्षद्वीप, ये मूंगा से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? मूंगा से। इसका मूंगा जो मूंगा से बना हुआ है, इसका आकार ना इसे घोड़ा के नाल के समान है, इस टाइप का है द्वीप जो है ना वो यू शेप के द्वीप है सब। तो ऊंचाई से दिखेगा तो थोड़ा छोटा दिखेगा, तो घोड़ा का नाल ऐसे ही होता है, समझ में आ गया? पीछे की ओर होता है, गाय भैंस का आगे की ओर होता है, समझ में आ गया? गाय भैंस का नाल ऐसे ना आगे की ओर होता है, भी शेप में होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस सबके खुर उर में पानी लग जाए, तो खुर उर अगर आदमी कोई साफ कहाँ करता है, कोई अपने यहाँ गाय भैंस का, वहाँ पे बहुत कम लोग साफ करते हैं, जिससे क्या होता है उसको बीमारी हो जाता है, खुर पका एक बीमारी हो जाती है, समझ में आ गया कि मुंह पका और खुर पका बीमारी होती है, समझ में आ गया? चल जाओगी बबनी, जाने दीजिए उधर, खोल दो दरवाजा, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? तो इसका आकार कैसा? घोड़े के नाल के समान, याद रहेगा कैसा? घोड़े के नाल के समान। किस चीज से बना है? मूंगा। मूंगा को अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, क्या कहते हैं? कोरल। सबसे ज्यादा कोरल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते, भारत में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। तो बताइए ऐसे द्वीपों पे क्या आप हैवी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? 50 तल्ला का बिल्डिंग और धौंस जाएगा नीचे। तो वहां पे ना कॉटेज बनाया जाता है, झोपड़ी, रिजॉर्ट बनाया जाता है, रिजॉर्ट, रिजॉर्ट समझते हैं, विला बनाया जा सकता है,
विला होता है एक तल्ला घर, वो भी लकड़ी का रहेगा, समझा गया? फार्म हाउस, विला, कॉटेज, समझा गया? ये तीन कैटेगरी है टूरिस्ट को लिए। फार्म हाउस जो होता है ना, बड़ा सा खेत खलिहान होता है, 10 बीघा किसी का खेत है, तो उसमें साइड में एक बगीचा बना देगा, छोटा सा स्विमिंग पूल बना देगा, बत्तख डाल देगा, हंस डाल देगा, खूब बढ़िया, आ एगो लकड़ी कुकड़ी का घर बना लेगा, झोंपड़ी पेंट वेंट करके खूब अच्छा, एक तल्ला बना सकता है, उसके ऊपर ढाल नहीं सकता है, उतलो रहेगा तो लकड़िए का रहेगा, सीमेंट का नहीं ढाल सकता, उसी को क्या कहेंगे? फार्म हाउस। अच्छा, एक तल्ला ढाल दिया सीमेंट का, और उसके ऊपर नहीं ढाल सकता है तो विला, समझा गया कि नहीं आ गया? एक तल्ला ढाल दिया, ऊपर नहीं ढालेगा, लेकिन बहुत बड़ा बगीचा बनाया है पूरा एकदम, उस हो जाएगा रिजॉर्ट, रिजॉर्ट में उसका पर्सनल स्विमिंग पूल है, बगीचा है, घोड़ा है, उसी में टहल रहा है, खूब बढ़िया है, खेल मतलब 10-20 बीघा में खाली ऐसे बनाने के लिए। तो ये सब बड़े बड़े समुद्र के किनारे वाले जो शहर होते हैं, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये मरीना बीच हो गया, तो वहाँ की जगहों पर ये सब जाते हैं लोग, तो कोई फैमिली गया एक तो रिजॉर्ट बुक कर लिया, समझा गया कि नहीं आ गया? तो समुद्र में जाएंगे नहाने तो पूरा नमकीन नमकीन हो जाता है, तो घर आके नहाना होता है, तो जा कोई रिजॉर्ट बुक कर लिया, कोई का पैसा रिजॉर्ट से कम है तो विला कर लिया, उससे कम है तो फार्म हाउस कर लिया, उससे कम है तो होटल कर लिया, उससे भी कम है तो 20 रुपया का प्लास्टिक प्लेटफॉर्म पे बिछाया, सो गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? नहाओ कहाँ, सार्वजनिक रहता है प्लेटफॉर्म पर, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। तो लक्षद्वीप पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है, सबसे कम क्राइम लक्षद्वीप में, सर्वाधिक प्रतिशत में मुस्लिम, 90% से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, कहाँ पे? लक्षद्वीप में। जिन्ना को पता चला बाद में कि यार मुस्लिम यहाँ भी थे तो हमारा हो गया पूर्वी पाकिस्तान, मुस्लिम यहाँ भी थे हमारा हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, मुस्लिम यहाँ भी हैं हमारा हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पहुँचने से पहले सरदार पटेल ने नौसेना भेज दिया, नौसेना भेजने के बाद वहाँ भारत का झंडा लहरा दिया गया, वहाँ के लोगों को कहा गया आप इंडियन रहेंगे, सब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, जिन्ना चिल्लाते रह गया, ठीक हुआ, नहीं तो उधरों से नौटंकी करता, समझ आ गया कि नहीं आ गया?